हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराटर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 97, जिसमें आज हम आपके क्लब फैक्ट्री पर होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्लियर करने वाले, वो भी आपके किए हुए कमेंट के आधार पर। जी हाँ, तो आज हम आपको जो आपने हमारे कमेंट यानी जो हमारी वीडियो पर जो भी कमेंट किए हैं हमारी क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड, जितनी भी टोटल वीडियो उनके कुछ कमेंट्स हमने निकाले हैं, जिनमें हम आपको उन पर होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ ऐसे कमेंट्स निकाले हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत ही कम ऐसे कमेंट्स निकाले और सिलेक्टेड कमेंट निकाले हैं, जिससे कि आपको क्लब फैक्ट्री पर होने वाली सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो पहला कमेंट हम आपको बताने वाले हैं जो कि हमारे पास आया पूनम शेखावत का, जो हमें पूछ रही हैं कि रिटर्न का पेमेंट कितने दिन में मिलता है। और ये सबसे कॉमन कमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि जो प्रोसेस रहती है वो तो एक महीने तक की रहती है, लेकिन जो क्लब फैक्ट्री का अकाउंट में आपका पैसा आता है वो 4 से 8 दिन में आपके पास आ जाता है। उसे आप या तो पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में, दोनों में ही आप अपना पेमेंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन कमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है कि जो हमारा पेमेंट रहता है वो कितने दिन में हमारे पास आता है, तो जिसका आंसर है 4 से 8 दिन में आपके अकाउंट में आपका पैसा आ सकता है, जिसे आप पेटीएम या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला कमेंट यहाँ पर क्लियर होता है। दूसरा कमेंट हमारे पास आया है इरफान खान का। तो ये हमसे कहते हैं कि अगर क्लब फैक्ट्री अनइंस्टॉल हो जाए तो ऑर्डर कैसे देखें। अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफ़ी लोगों के साथ हो भी सकता है कि आपका क्लब फैक्ट्री ऐप किसी कारण से अनइंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप क्लब फैक्ट्री ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो या तो आप ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं या फेसबुक से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो नंबर ओटीपी के लिए वेरिफिकेशन में देते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लब फैक्ट्री ऐप को इंस्टॉल करते हैं उसे रीइंस्टॉल करते हैं, अगर आपका अनइंस्टॉल किसी कारण से हो जाता है रीइंस्टॉल करते हैं, तो ध्यान रखें जिस ऑर्डर को आपने या तो मेल आईडी वाले अकाउंट से ऑर्डर किया है या फेसबुक वाले अकाउंट से अपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। उसी मेल आईडी या फेसबुक अकाउंट को आप लॉगिन करें क्लब फैक्ट्री में, आपके सारे ऑर्डर्स वापस से आपको शो होते दिखाई देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने क्लब फैक्ट्री का अकाउंट बनाया था तो आपने या तो ईमेल आईडी से लॉगिन किया था या फेसबुक से, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपके जो भी ऑर्डर से वो सारे आपको फिर से शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कमेंट भी क्लियर होता है। तीसरा कमेंट बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है अरेकर, जिन्होंने हमें कमेंट किया है कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को वापस किया लेकिन उन्होंने पैसा वापस नहीं दिया। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि जो पैसा अकाउंट में ले सकते हैं या उसका प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। बड़ा ही अच्छा कमेंट है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो वहाँ पर आपको कारण बताना होता है कि आप पैसा चाहते हैं या किसी और प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो ये कमेंट का सॉल्यूशन ये है कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप अगर अपना पेमेंट अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो कारण वहाँ पर बताइए कि हमें पैसा रिफंड कीजिए, और अगर आप कोई प्रोडक्ट अदर ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसका कारण भी आप शो कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके हाथों में, आप अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। आप चाहें तो पैसा वापस भी ले सकते हैं या दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो पैसा रहेगा वो आपके क्लब फैक्ट्री ऐप के अकाउंट में ही आएगा, आपको कैश वापस नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए ये चीज़ कीजिए कि अगर आपको पैसा लेना है तो आप वहाँ पर पैसा रिफंड का कारण बताइए, और अगर किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदना है तो वो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगला कमेंट आता है जिसान खान का, जो कि हमें ये पूछ रहे हैं कि अगर पेटीएम ना हो तो पेमेंट कैसे मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पेटीएम में ले सकते हैं या बैंक ट्रांसफ़र, दोनों ही चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। और अगर किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो पेमेंट है वो क्लब फैक्ट्री ऐप के अकाउंट में से ही आप उन्हें पे कर दीजिए। तो पेटीएम अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, किसी और प्रोडक्ट को खरीद कर वो पैसा उन्हें वापस पे कर दीजिए, ठीक है। अगला कमेंट आता है जोहा अनम का, ये कहना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी पर हुई थी, प्रोडक्ट रिटर्न करने के बाद रिटर्न मनी कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं मिली। तो भैया कैश ऑन डिलीवरी पर मनी नहीं मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। मनी आपको आपके क्लब फैक्ट्री के ऐप के अकाउंट में ही मिलेगा, जहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस शो होता है वहाँ पर आपको क्लब फैक्ट्री का जो पेमेंट है वो मिलता है। मैंने पहले भी बता दिया हूँ मेरी वीडियोज़ में कि जो आप प्रोडक्ट वापस करते हैं तो उसका पैसा आपको हाथ में नहीं दिया जाता है, वो आपके क्लब फैक्ट्री के अकाउंट में आता है, वहाँ से आप उसको पेटीएम या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के प्रोडक्ट वापस करते हैं कि पैसा हमें हाथों हाथ वापस मिलेगा तो ये बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आपका जो पैसा है वो क्लब फैक्ट्री के ऐप के अकाउंट में ही आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप प्रोडक्ट को वापस करें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऐसे कॉमन कमेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर मेरे पास आए थे, जो भी अभी ने 4 से 5 या 6 जो भी कमेंट बताए हैं, इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और इन बातों को ध्यान रखकर ही आप क्लब फैक्ट्री से प्रोडक्ट ऑर्डर करें। क्या क्या समस्याएं आपके साथ होती है तो मैंने अभी क्लियर कर दिए कमेंट के आधार पर। और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके साथ क्लब फैक्ट्री पर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या हो रही, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ क्लब फैक्ट्री पर हो रही है वो आप मुझसे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है क्लब फैक्ट्री पर हो रही प्रॉब्लम के आधार पर, तो मैंने जो भी कमेंट्स थे वो तो क्लियर कर दें। कुछ कमेंट्स ऐसे जो कि बकवास है और मैंने इनके पहले ही सोल्यूशन बता दिया, उसके बाद भी मेरे से पूछे जा रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनके मैंने रिप्लाई भी नहीं दिए और बिल्कुल बकवास कमेंट है। तो जो मेन कमेंट होते हैं जो वाकई प्रॉब्लम लायक लगते हैं उनका मैंने सॉल्यूशन आज दे दिया हूं। अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।